पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस गोश्त के खिलाफ कार्रवाइयां। विजिलेंस विंग की इतला पर बकर मंडी में 6 गैर कानूनी मसबा खाने सील कर दिए गए। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे इमरान मलिक से। जी इमरान, बताइएगा 6 मसबा खानों को सील कर दिया गया है, इनके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई हो सकती है? जैनब, बिल्कुल, 6 गैर कानूनी मसबा खाने जो है उनको सील किया गया है। 6500 किलो नाकिस गोश्त और 1000 किलो चर्बी जबकि 800 लीटर बाकियात से निकला तेल बरामद किया गया है। विजिलेंस विंग पर बकर मंडी में 6 गैर कानूनी मसबा खाने सील किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन टाइड अनवारुल हक खुद वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर ऑपरेशन करते हुए तमाम तर जो मसबा खाने थे उनको सील किया गया। नाकिस गोश्त को जारी मोहरे लगाकर मार्केट में फरोख भी किया जाता था। कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान का ये कहना है कि 1000 किलो से जायद चर्बी जानवरों की बाकिया से तैयार करता 800 लीटर तेल और 12 ड्रम बरामद किए गए हैं। इस हवाले से गैर कानूनी मसबा खाने जानवरों की बाकिया से तैयार करता तेल मुकर्रर धंधे को भी फरोग दे रहे थे। गोश्त भी दूध और अंडों की तरह बुनियादी अहमियत का हामिल गजा है। नाकिस गोश्त के खात्मे के लिए विजिलेंस और मीट सेफ्टी टीमें सुबह भर में मुतहरिक रहेंगी और इस वाले से जो जिबा खाने सील किए गए हैं उनके मालगन के खिलाफ दर्ज करवा। ठीक है, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी है, इन एक्शन नजर आ रही है पंजाब फूड अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक आपका।